अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस को समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लूंगा इस मार्कर की। अगर आप इस मार्कर को गौर देखें तो ये प्रोसेस्ड फॉर्म में है, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे हाथ में मौजूद है, हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन बिफोर यूटिलाइजेशन ये क्या था, ये प्लास्टिक था। ये प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन से और कुछ केमिकल्स के कॉम्बिनेशन से ये शेप में आया है। तो इसकी जो रॉ फॉर्म थी वो प्लास्टिक थी, और रॉ फॉर्म के बाद जब ये प्रोसेस हुआ तो हमारे पास ये मार्कर आया। बिल्कुल यही डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। डेटा रॉ फॉर्म है इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड फॉर्म है डेटा का। इसको मैं यूं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। लेट सपोज आपकी कोई भी लैंग्वेज है, लाइक मैं अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ उर्दू में, तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर डेटा क्या होगा, अलिफ बा पा ता जो हरूफ तहजी है वो डेटा है, ठीक है। और उन हरूफ तहजी के कॉम्बिनेशन से जो मैं आपसे मीनिंगफुल अल्फाज बयान कर रहा हूँ जिससे आपको कुछ समझ में आ रहा है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट सपोज आई एम राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर 250, मैं कहीं लिख देता हूँ भाई 250, तो क्या ये डेटा है या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये अंग्रेजी जबान में मैंने नंबर्स लिख दिया, मैंने आपसे पूछ लिया कि मेरी डेटा है या इंफॉर्मेशन है, तो आप क्या कहेंगे। तो ये डेटा है जनाब, क्यों, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है। ये 250 कुछ भी हो सकता है, ये 250 प्राइस भी हो सकती है, ये 250 किसी का लकी नंबर भी हो सकता है, अच्छा ये 250 जो है वो किसी की जो है वो दिन की दिहाड़ी भी हो सकती है, वेजेस भी हो सकते हैं, अच्छा ये 250 किसी का लॉस भी हो सकता है, ये 250 किसी का प्रॉफिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 250 नंबर ऑफ कोई नंबर ऑफ क्लासेस हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉल पेन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक अनप्रोसेस्ड डेटा है, यानी हमें क्लैरिटी नहीं मिल रही इस चीज को देख के, तो दिस इज डेटा। अच्छा डेटा है ये, मैं फिर लिख देता हूं जनाब अली इससे पहले रुपीस, तो क्या अब ये इंफॉर्मेशन है, नो ये भी डेटा है, क्योंकि रुपीज 250 में तो दुनिया में इतनी सारी चीजें मिल सकती हैं। रुपीज 250 की कोई बुक हो सकती है, रुपीज 250 में कोई चिकन मिल सकता है, रुपीज 250 में जो है वो शूज भी मिल सकते हैं, कुछ भी मिल सकता है। तो ये भी अभी अनप्रोसेस्ड डेटा है कि इंफॉर्मेशन नहीं, ये किसी चीज के बारे में आपको बता नहीं रहा, ये भी डेटा है, ये कॉम्बिनेशन है अल्फाबेट का और नंबर्स का, इसके अंदर कोई मीनिंग शामिल नहीं है। रुपीज 250 का ही लिखा हुआ है भाई, अब आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये रुपीज 250 से पहले मैं कुछ और भी लिख लेता हूं, मैं लिखता हूं जनाब अली प्राइस। चलो भाई अब एक और चीज ऐड हो गई, 250 एक अमाउंट है, अमाउंट प्राइस है, किसी की वेज नहीं है, सैलरी नहीं है, एक प्राइस है, ठीक है। तो क्या अब ये इंफॉर्मेशन है, नहीं डेटा है, प्राइस है ना 250, तो प्राइस तो किसी चीज की भी हो सकती है। अभी भी हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही इसमें से, प्राइस रुपीज 250, तो ये डेटा है हमारे पास। अच्छा मैं फिर आगे क्या लिखता हूँ जनाब अली, प्राइस रुपीज 250, मैं इसमें ऐड कर लेता हूं प्राइस ऑफ चिकन, ठीक है, प्राइस ऑफ चिकन इसमें रुपीज को शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, प्राइस ऑफ चिकन इज रुपीज 250, तो क्या अब ये इंफॉर्मेशन है, नहीं ये भी इंफॉर्मेशन नहीं, क्यों, ये डेटा है। डेटा क्यों है, क्योंकि प्राइस ऑफ चिकन 250 तो है, लेकिन प्राइस ऑफ चिकन 250 है कौन सी क्वालिटी का है, किस शहर में है, ठीक है, और उसकी लाइफ क्या है, जो 250 का आप चिकन बेच रहे हैं, ये पर केजी है या पर टन है, क्या हिसाब है, पर जो है वो आप कितने ग्राम की आप 250 रुपीज प्राइस बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए, जो कि क्लियर नहीं है इस सूरत हाल के अंदर सिचुएशन में। प्राइस ऑफ चिकन इज 250, अब मैं आगे लिख देता हूं पर केजी, एक और चीज भी ऐड हो गई, प्राइस ऑफ चिकन इज 250 पर केजी, तो क्या ये इंफॉर्मेशन है, नहीं ये डेटा है, क्यों, क्योंकि प्राइस तो है 250 पर केजी, सही कह रहे हैं आप, लेकिन क्वालिटी कौन सी है, प्रीमियम क्वालिटी है, लो क्वालिटी है, मीडियम क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है। प्राइस ऑफ चिकन इज 250 पर केजी,
अब मैं यहां पर चिकन में इसकी क्वालिटी ऐड कर रहा हूं, ठीक है, प्राइस ऑफ प्रीमियम क्वालिटी चिकन, यानी कि फ्रेश जो चिकन है उसकी प्राइस, बिल्कुल फ्रेश, प्राइस ऑफ प्रीमियम क्वालिटी चिकन इज, प्राइस ऑफ प्रीमियम क्वालिटी चिकन इज ₹250 पर केजी। क्या अब ये इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये डेटा है, अभी भी अब हम इसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। प्राइस ऑफ प्रीमियम क्वालिटी चिकन इज ₹250 पर केजी, ठीक है भाई, मैंने पढ़ लिया, लेकिन आप, मैं अगर ऐसा कंज्यूमर या कस्टमर सोचूं, मुझे कहीं रोड पे पड़ा हुआ ये मिल गया और मुझे ये चाहिए, तो क्या ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट है? क्या ये इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये डेटा है, ठीक है। इस डेटा की मदद से मैं पहुंच सकता हूं, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्वायरी करने के बाद, ये अभी कंप्लीट फॉर्म में नहीं है, दैट दिस इज नॉट अ इंफॉर्मेशन। प्राइस ऑफ प्रीमियम क्वालिटी चिकन इज ₹250 पर केजी इन कराची, चला जी मैंने लिख दिया इन कराची, ये न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा हुआ देखा कि भाई कराची शहर में प्रीमियम क्वालिटी का चिकन ₹250 में दस्तियाब है। क्या ये इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये अभी भी डेटा है, ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है कराची के अंदर 250 पर केजी चिकन बिक रहा है, लेकिन दिस इज टॉकिंग अबाउट अ सिटी, सिटी के आप प्राइस को बता रहे हो, उसका मतलब आप एवरेज प्राइस बता रहे हो। ये जो आपने प्राइस बताई है, ये जिस चिकन की है वो उस चिकन की एग्जैक्ट लोकेशन आपने नहीं बताई, आपने सिटी बता के बात खत्म कर दी, ठीक है। अच्छा, प्राइस ऑफ प्रीमियम चिकन क्वालिटी चिकन इज ₹250 पर केजी इन, लेट सपोज मैं बात करता हूं इन नॉर्थ कराची, तो क्या अब ये इंफॉर्मेशन होगा या डेटा होगा? ये अभी भी डेटा है। देखो, आपने इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट कर दी कि भाई ₹250 में नॉर्थ कराची में आपको चिकन मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का। सर, मिल रहा है, किस डेट को मिल रहा है ये तो लिखा नहीं आपने, ठीक है, ये किस डेट की प्राइस है वो तो आपने इसमें लिखा नहीं है, तो मैं इसमें लिखता हूँ जनाब अली, ये किस डेट की प्राइस है। अब ये तो अगर 3 साल बाद तो कस्टमर उठा के देख ले तो वो शॉप पर पहुंच जाए, तो इसका मतलब तो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं, ये डेटा है, ठीक है। अब मैं इस पर डेट लगा देता हूँ, लेट्स सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट 25th अप्रैल 2020, ठीक है, मैं इस दिन की बात कर रहा हूँ। इस दिन जो है कराची शहर में, कराची के नॉर्थ साइड पर आपको अच्छी क्वालिटी का चिकन ₹250 पर केजी मिल जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज इंफॉर्मेशन, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि भाई ये 250 किस चीज की बात हो रही है। दोबारा मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, एक अमाउंट की बात हो रही है, वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट प्राइस है। वो प्राइस किस चीज की है? वो प्राइस चिकन की है। वो चिकन कौन सा है? प्रीमियम क्वालिटी का है। प्रीमियम क्वालिटी के चिकन की आप प्राइस ₹250 बता रहे हो, लेकिन कितना उसका वजन होगा? 1 किलोग्राम पर केजी, ठीक है। और कहाँ मिल रहा है? नॉर्थ कराची में। और किस डेट की बात हो रही है? ये सब चीजें इसमें क्लियर है। तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में भी हो सकती है। अच्छा, इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास ग्राफिकल फॉर्म में भी हो सकती है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, आपको मैं टैबलेट फॉर्म की एग्जांपल दे देता हूँ। टैबलेट फॉर्म की एग्जांपल आपके पास मौजूद है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास मार्कशीट होगी, तो मैट्रिक के मार्कशीट में आप देख लें, या अगर आप 7-8 में हैं या फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं या आप MBA कर रहे हैं, तो अपने जो ओल्ड मार्कशीट्स हैं उनको आप देखें, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टैबुलर इन्फॉर्मेशन। उसमें आपको टेबल्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके परसेंटेज कितना आया, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए आपके, और कहाँ आपकी क्या परफॉर्मेंस हुई। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ टैबुलर फॉर्म ऑफ डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन। इसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल मैं दूँ ग्राफिकल फॉर्म की, अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो उसमें आपको पर ओवर जो बैट्समैन की परफॉर्मेंस है वो आपको नजर आ रही होगी एक ग्राफ के ऊपर, ठीक है। इसी तरह अगर आप मैट्रिक में, इंशाल्लाह होपफुली अगर आप मैट्रिक में है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जब मैट्रिक में पहुंचेंगे तो वहां आप पढ़ लेंगे कि ग्राफ के जरिए हम किस तरह से जो है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। डेटा दरअसल अनप्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसको जो अंडर प्रोसेस होता है,
और लेकिन उसमें जिस लैंग्वेज पे जिस लैंग्वेज की आप इंफॉर्मेशन बनाने जा रहे हैं ना, अगर मैं उर्दू में आपसे बात कर रहा हूँ तो उर्दू के अंदर डेटा क्या होगा, उर्दू के हरूफ तहजी होंगे, उर्दू के हिंदसे होंगे। इसी तरह लाइक मैं यहाँ पे अगर इंग्लिश की लैंग्वेज में कोई इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ तो उस फॉर्म उस सूरत हाल में डेटा क्या होगा, अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे, स्पेशल सिंबल्स होंगे, ये भी डेटा है, दिस फुल स्टॉप, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, ठीक है, ये सब क्या है, डेटा। डेटा कलेक्ट होके आपको एक मीनिंगफुल शेप देते हैं। देखा, डेटा का कलेक्ट होना इंफॉर्मेशन नहीं है। लाइक मैं अगर सर यहाँ पर किलोग्राम लिख रहा हूँ तो वो किलोग्राम इंफॉर्मेशन नहीं है, ये डेटा तो कलेक्ट हो गया एक जगह पर, एक वर्ड तो बना दिया लेकिन इस ये वर्ड अभी मीनिंगफुल नहीं है। अगर आप की जो कॉम्बिनेशन है वर्ड्स का, अल्फाबेट्स का, अगर वो मीनिंगफुल है तो दैट इज कॉल्ड अ इंफॉर्मेशन। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन। आई एम होपफुल कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन कमेंट बिलो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।